जी? मेरी ये मनपसंद जगह सालों से, मैंने जब ये ओमकार धाम बनवाया था और अपने परिवार से यहाँ रहने आया, तब से हर रात मैं चुपचाप यहाँ आकर बैठ जाता हूँ। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं अपने पूरे घर को देख सकता हूँ, वहाँ ऊपर के सबके कमरे, वहाँ आंगन, पूजा घर, दीवान खंड सब, और मुझे देखकर बहुत सुकून मिलता है कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी बिल्कुल सुरक्षित आराम से सो रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे परिवार का एक सदस्य आज सोया नहीं है। लक्ष्मी बेटा, ये हवन क्यों नहीं करना चाहती हो बेटा? मैं इसके लायक नहीं हूं दादाजी। हवन की अग्नि को साक्षी मानकर कोई छूट कैसे, जब मन में सच्चाई ना हो तो भगवान का सामना कैसे कर सकते हैं? झूठ? हाँ, मुझे याद है कि एक बार तुमने घर वालों से झूठ कहा था जब तुमने सूरज को मुसीबत से बचाया था। बेटा, तुमने किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, सबको ठोकर से बचाने के लिए झूठ कहा था। गीता पाठ में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं, वो पाप पाप नहीं, सबसे बड़ा पुण्य होता है। बस इरादा नेक होना चाहिए। बेटा, मुझे तुम पर इतना विश्वास है कि मैं जानना भी नहीं चाहता कि तुम अपने अंदर क्या झूठ छुपा रही हो। बस मैं तो इतना ही जानता हूं कि हमारी संस्कार लक्ष्मी अपने परिवार की सुख शांति के लिए ही सोचे। अरे हाँ हाँ, बड़ा मजा आएगा। तो ठीक है, याद रखना शनिवार को शाम 7:30 बजे। ओके, बाय। घर में इतनी सारी पूजा, इतने सारे हवन हुए, लेकिन इतना उत्साहित मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या बात है, इस एक्साइटमेंट की वजह क्या है? अरे कुछ मुझे मालूम है। मम की एक्साइटमेंट की वजह मुझे मालूम है। अरे नहीं नहीं, जब कोई वजह ही नहीं है तो तुम्हें क्या मालूम होगा? क्या बात, क्या है? बात ये है कि मॉम इस बात को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि मॉम ने एक और नई और महंगी साड़ी खरीदी है इस फंक्शन के लिए। भगवान, एक और साड़ी? तेरा बस चले तो राशन के पैसे भी तू साड़ी लेने में खर्च कर दे, मुझे निकल। अरे कितने कंजूस हो तुम। मॉम, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं अपना अक्ल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, आज किया ना, तुम डर गई थी ना। इनकी मजाक की बात नहीं है, सीरियस हो जाओ। आज भले ही तुमने अपनी अकल का इस्तेमाल करके मेरा टेंशन हटा दिया, पर सूरज और लक्ष्मी का टेंशन कौन टालेगा? क्या कहा तुमने? मैं गायत्री हवन में आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ।